करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। रोज शो को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने शो से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। बताया जा रहा है कि दोनों शो में साफ नजर आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फैंस मान रहे हैं कि शो में कबीर सिंह 2 को लेकर बात हो सकती है। इसी बीच अब इस शो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के बीच की जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिल्म मेकर और टीवी शो के होस्ट करण जौहर अपने शो के सातवें सीजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। शो को हिट बनाने के लिए वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो बात लुक की हो या गेस्ट की। शो के गेस्ट की लिस्ट लगातार सामने आ रही है। कुछ के नाम पक्के हो गए हैं तो कुछ ने अभी शो में आने के लिए हाँ नहीं की। इसी बीच अब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर खबर आ रही है कि दोनों इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि दोनों साथ में किसी शो में इंटरव्यू देंगी। इन दोनों का साथ शो में आना लगभग तय माना जा रहा है। इस खबर के आने के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोनों को साथ देखने के लिए फैंस ने लंबा इंतजार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जो देश की पहली ब्यूटी क्वीन भी बनी। दोनों को ब्यूटी क्वीन का टाइटल भी साथ में मिला। सुष्मिता जहां मॉडलिंग और ब्यूटी शोज में आगे रही तो ऐश्वर्या फिल्मों में आगे रही। मगर ये तो बात प्रोफेशनल की थी, निजी जिंदगी में भी ये दोनों कभी साथ नहीं रही। माना जाता है कि इन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी जिसके चलते ये दोनों आपस में बात नहीं करती। लेकिन जो सालों से नहीं हुआ वो अब होने वाला है। करण जौहर के शो पर ये दोनों साथ में नजर आने वाली हैं। अब इन दोनों के फैंस इनके बीच की खटास की वजह और फिर कभी बात ना करने के कारणों को जान पाएंगे। दरअसल ये कमाल होने वाला है कॉफी विद करण सीजन 7 में। ये शो हमेशा से स्टार्स के मुँह से निकले अनोखे बयानों के लिए जाना जाता है। आपको बता दे कि ये शो 7 जुलाई 2022 को शुरू होने वाला है।